ठीक है, अतर थोड़े से लक्ष्य दे एक बार। क्या हो गया, लेफ्ट क्यों हो गए सब लोग? टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद कुछ तो भी। ठीक है, सो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग ने जो एडिटिंग किया था, बेसिक एडिटिंग, आई हैव शोन यू दैट टाइप। उसके अंदर जो है, हाउ टू एडिट द वीडियोस, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इंपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस। ठीक है, आई विल अगेन शो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच यू नीड टू यूज इन योर वीडियोस। ठीक है, अभी आपको जो अभी तक टूल्स सिखाए हैं मैंने, ठीक है, जो जो एक बेसिक टूल्स थे, यूजिंग दैट टूल्स व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन क्रिएट यूजिंग दोज टूल्स। ठीक है, क्या हो रहा है यार, लेफ्ट क्यों कर रहे सब लोग? ऑटोमेटिकली जा रही है बाहर। ऐसा हाँ सर, ऑटोमेटिक रिमूव होते थे कैसे सर। ऐसे आ रहा है, यू हैव बीन किक्ड, ऐसे। रहे? यू हैव बीन किक्ड आ रहा है, मैसेज आ रहा है क्या? हो सर, किक ढाले हो जाते हैं अमल मैसेज। अपन रिमूव हो रहा। ठीक है, अभी स्क्रीन दिस करना। हो सर, ओपन कर लिया। आ जा सर, लिया। हाँ, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या दिखाया था, हाउ टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट्स, हाउ टू क्रिएट द न्यू सीक्वेंसेस एंड हाउ टू सेव योर सीक्वेंसेस। ठीक है, अभी इसके अंदर आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है स्ट्रेटजीज, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, आई विल जस्ट चेंज द प्रोजेक्ट नेम, बेसिक्स टूल्स। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है, यू हैव टू सिलेक्ट द प्रीसेट्स। ठीक है, जो भी प्रीसेट सिलेक्ट करोगे, इट विल बी विजिबल इन योर टाइमलाइन। ठीक है, आपके टाइमलाइन के अंदर वो वाला प्रीसेट्स आ जाएगा। ओके, सिलेक्ट द प्रीसेट्स, दिस इज द इंटरफेस, यू हैव द सोर्स मॉनिटर, प्रोग्राम मॉनिटर, यू हैव द प्रोजेक्ट्स पैनल, यू हैव द सीक्वेंसेस, यू हैव द टूल्स पैनल। ठीक है, यू हैव द टाइम लाइन, यू हैव द ऑडियो मास्टर। ठीक है, हियर यू कैन सी द ऑडियो प्लेइंग, द प्ले हो रहा रहेगा ऑडियो, तो आपको यहाँ पे उसके नोट्स दिखाई देंगे। ठीक है, सो इन दिस, इफ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट एनी ऑफ द एलिमेंट्स, यू नीड टू डबल क्लिक और जस्ट गो टू इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ से अगर आप इम्पोर्ट करोगे फाइल, इम्पोर्ट डेटा, या फिर इम्पोर्ट, यहाँ से अगर कंट्रोल आई प्रेस करोगे, इट इज शॉर्टकट टू इम्पोर्ट द डेटा, सो डबल क्लिक करोगे तो भी होगा। नेक्स्ट, आई विल जस्ट इम्पोर्ट दिस वीडियोस। ठीक है, ये वाला वीडियो मैं इम्पोर्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इट विल बी डिस्प्लेड इन द सोर्स मॉनिटर। ठीक है, अब ये सोर्स है, यहाँ से सोर्स में से हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक द वीडियोज, मतलब आपको जैसे जिस टाइप का वीडियो लेना है, यू कैन टेक दैट वीडियोज एंड यू कैन इम्पोर्ट इट टू द, और यू कैन ड्रैग इट टू द टाइम लाइन। ठीक है, पूरा ड्रैग करना रहेगा, यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, पूरा वीडियो आपका ऑडियो के साथ ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्लिप्स डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग्स, चेंज द सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग्स। ठीक है, अभी आप लोग को इसको क्या करना है, इफ यू वांट टू कीप द सीक्वेंस सेटिंग, यू हैव टू कीप, और अगर क्लिप आकर आपका यही है, अभी आप लोग को ये भी दिखाया था मैंने कि बहुत सारे जो आपको कल एक्सपेक्ट रेशियो का भी दिखाया था मैंने। ठीक है,
लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्ट रेशियोज जो आप लोग शूट करोगे आपके फोन के ऊपर या फिर आपके कैमरा के ऊपर, तो एक्सपेक्ट रेशियो के अंदर भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है? तो ऐसे आपको वार्निंग आएगा, इफ द एक्सपेक्ट रेशियो इज नॉट मैचिंग और द वीडियो फुटेजेस आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर, देन इट विल शो यू नॉट मैचिंग विद द सीक्वेंस। मतलब आपको अगर क्लाइंट ने दिया है कि आई वांट द आउटपुट इन दिस सेटिंग और वो सीक्वेंस अगर मैच नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे एक वार्निंग आएगा, क्लिप मिसमैच वार्निंग, द क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग्स, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग्स, ठीक है? अब इसके अंदर आपको हमेशा यही टिक करना है, ठीक है? ऑलवेज आस्क, यू हैव टू ऑलवेज आस्क वेदर द सीक्वेंस इज मैचिंग और द क्लिप इज मैचिंग और नॉट, ठीक है? इसको ऑफ मत करो। देन इफ यू वांट टू कीप द एग्जिस्टिंग सेटिंग यू हैव टू कीप इट और यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ठीक है? आई विल जस्ट चेंज इट, ये सीक्वेंस क्या सीक्वेंस के हिसाब से चाहिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वीडियो है, ठीक है? ऐसे मल्टीपल वीडियोस रहेंगे अलग अलग एक्सपेक्ट रेशियो पे, देन यू नीड टू कीप द सीक्वेंस सेटिंग एज इट इज, उसके अंदर फिर आपको एडिट करना पड़ेगा सर, ठीक है? नाउ फ्रॉम दिस इफ आई वॉन्ट टू कट, अगर अभी मैंने क्या किया है डायरेक्टली इसको वीडियो को पूरा ड्रैग किया है, ठीक है, ऑन द टाइमलाइन आई हैव ड्रैग द टोटल वीडियो एंड द ऑडियो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? यहाँ से मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया है ऑन द टाइमलाइन। नेक्स्ट इफ आई वांट टू ओनली ड्रैग द वीडियो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन, ठीक है? ओनली ड्रैग द वीडियो ऑन द टाइमलाइन, ठीक है? नेक्स्ट इफ आई ओनली वांट टू ड्रैग द ऑडियो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द लेयर्स, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो लेयर्स एंड वीडियो लेयर्स, यहाँ पे लेयर्स रहेंगे आपके, यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर, ठीक है? अभी ये ऑडियो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? अभी वीडियो के अंदर भी आई हैव टू कट दिस वीडियो, ठीक है? इसके लिए तो शॉर्टकट आपको बताया था, यहाँ से भी है कुछ प्ले प्लेयर सेटिंग्स, ठीक है? प्लेयर रहेगा ये सोर्स मॉनिटर का, इसके अंदर प्ले कंट्रोलर्स, इसके अंदर से आपको कुछ क्लिक यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स रहेंगे, और इफ यू वॉन्ट टू कीबोर्ड शॉर्टकट्स इट इज टू कट एनी ऑफ द वीडियो आई विल जस्ट प्रेस आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट, ठीक है? अभी इसके अंदर से आपको ये ही सीक्वेंस का लिटिल बिट पार्ट, इतना पार्ट ही आपको ड्रैग करना है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और ऑडियो, यू कैन सिलेक्ट दैट ऑल्सो। अगर मैंने सिर्फ वीडियो लिया तो इट विल बी जस्ट अ वीडियो ड्रैग टू योर टाइमलाइन, ठीक है? उतना ही वीडियो आपके टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग होगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा क्लिप है इट मतलब जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर जितना भी सब एनिमल्स वगैरह दिखाए हैं उसके हिसाब से उन्होंने पूरा क्लिप बनाया है ये, ठीक है? कोस्टा रिका, ठीक है? वहां का जो ये फॉरेस्ट उन्होंने दिखाया है, एनिमल्स द सीनियरी, वो सब इन्होंने इस वीडियो के अंदर शूट करके ऐड किया। अब इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट अ बेसिक सीनियरी वीडियो, ठीक है? इसके अंदर से जितने भी सीन्स है जस्ट द एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग, वो मैं क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट थिंग, ठीक है? सेपरेट में उसके ऊपर सिर्फ क्लिप्स कुछ कट करता हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट इन द फाइनल आउटपुट, ठीक है? उतना ही करना है आपको, जस्ट रिकग्नाइज व्हाट ऑल सीन्स आर प्रेजेंट, आई विल नॉट ऐड द एनिमल्स एंड एनी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है? आई विल जस्ट ऐड द सीन्स, अगेन इनपुट आउटपुट, ठीक है? वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? नेक्स्ट इनपुट आउटपुट, आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ दिस, इनपुट आउटपुट, ठीक है? आई एन ओ, आई एन ओ, इनपुट आउटपुट,
ये पूरा ही क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको, फाइनल आउटपुट आपका कैसे रहेगा। सो इनपुट आउटपुट, आउटपुट इट इज वेरी इजी थिंग, ठीक है। जस्ट यू नीड दैट विजन ऑफ एडिटिंग, ठीक है। मतलब एडिटिंग कैसे करना है आपको उतना ही मालूम होना चाहिए, सिर्फ कौन से टूल्स कहाँ पे यूज होते हैं। आउटपुट कैमरामैन ने बहुत मेहनत ली है इसके अंदर, ठीक है। टू सी द फुटेजेस, कैमरा एंगल्स वगैरह आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर। अभी थोड़े से बर्ड्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। आई विल नॉट टेक, आउटपुट यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे फ्रेम वाइज लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज टू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम आपका वीडियो जो है आगे जाएगा, ठीक है। इनपुट एंड द एंड इज फॉर आउटपुट, ठीक है। नाउ आई हैव इम्पोर्टेड ऑल ऑफ द एनवायरमेंट और सीनियरी क्लिप्स, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी सीनियरी थी रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। आई हैव इम्पोर्टेड एंड आई हैव यूज्ड दोज क्लिप्स, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट प्ले दिस, तो प्ले करूंगा। सी एट द एंड क्रेडिट्स, ठीक है। आई हैवन टेकन द क्रेडिट्स ऑफ दिस वीडियो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है, आई विल जस्ट शो यू। सी इन दिस कॉपीराइट 2014 मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है। LLC डॉट ऑल राइट लाइसेंस, ठीक है। दिस इज द लाइसेंस, ऑल राइट रिजर्व्ड, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद दिस स्टूडियो और द कंपनी, ठीक है। मिस्ट्री बॉक्स 2014 मिस्ट्री बॉक्स का ये वीडियो क्रिएशन है। ऑल राइट्स आर रिजर्व टू दिस, ठीक है। अगर समझो फॉर एग्जांपल किसी ने ले लिया इसको, ऐसे क्रॉप भी कर दिया, ठीक है।
इफ इट इज क्रॉप्ड। तो इसके अंदर देखो, इन द बॉटम राइट कॉर्नर यहाँ पे आपको एक लोगो दिख रहा है, ठीक है, एकदम बेसिक लोगो है, वहां पर आपकी नजर भी नहीं जा रही है, ठीक है, जस्ट इस व्हाइट कलर के अंदर रहेगा लोगो, और वो उसके अंदर सिर्फ एक कॉपीराइट टाइप आप कॉप करेगा, ये करेगा, काम करेगा। अगर उसको वीडियो कट करना रहेगा तो कट कर दो, देखो यहाँ से इतना फिट फुटेज उसको कट करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे से इतना कट करना पड़ेगा, एंड इट विल ओनली बी दिस मच वीडियो अवेलेबल फॉर द व्यूइंग, ठीक है। देखो पूरे वीडियो के अंदर वो आपको दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग। अभी देखो यहाँ पे भी अगर ये इस एलिमेंट के ऊपर आया है, मतलब ये झाड़ों के ऊपर आ गया है दिस लोगो, अगर उस किसी ने कट किया इसको, ठीक है, तो कैमरा एंगल ही उसका पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो व्यू है, दिस व्यू विल नॉट बी विजिबल इन द आउटपुट ऑफ दैट क्रिएटर, ठीक है, जिसने वो क्रिएट किया है कॉपी करके, तो उसके अंदर आपको ये व्यू नहीं दिखेगा, सिर्फ कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा, और ये जो पूरे एलिमेंट से नीचे के, इट विल नॉट बी विजिबल इन दैट व्यू, मतलब वो प्रिसाइज नहीं लगेगा, फिर आंखों को आ रहा लगेगा कि कुछ तो भी गलत है इसके अंदर, वीडियो के अंदर, ठीक है। सो यू हैव टू इनपुट दिस टाइप ऑफ लोगो। यहाँ पे भी अगर इतना कट कर दिया, तो ये सब जो रिफ्लेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं लाइट्स के, ये भी नहीं दिखेंगे आपको। ये तो पूरा इफेक्ट निकल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे जो लाइट का इफेक्ट आ रहा है, तो पूरा इफेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट क्रिएट योर वीडियोस, एड द कॉपीराइट टू इट, ठीक है, इन दिस वे यू कैन ऐड, यू कैन क्रिएट अ लोगो एंड यू कैन इंसर्ट इट इन योर फुटेज, ठीक है। जैसे अगर आपको इंसर्ट करना है, एकदम बेसिक लोगो क्रिएट करो, ऐसे व्हाइट में क्रिएट करोगे तो भी चलेगा, एकदम बेसिक, जस्ट इट विल बी रिकग्नाइजेबल दैट द वीडियो बिलोंग्स टू यू, और यू हैव क्रिएटेड दैट वीडियो, और अगर आप लोगों ने शूट किया रहेगा तो उसके अंदर भी वाटरमार्क आप लोग डाल सकते हो आपके वीडियो फुटेज के अंदर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना क्रिएट किया है, नेक्स्ट हाउ टू गेट द आउटपुट ऑफ दिस, इफ यू वांट टू ऐड ऑडियोज यू कैन ऐड ऑडियोज, यही ऑडियो डालता हूँ मैं, दिस ऑडियो, सॉरी पूरा ही ऑडियो लेता हूँ मैं, ठीक है, आई विल ट्राई विद द कंप्लीट ऑडियो, सॉरी, ठीक है, कंप्लीट ऑडियो ट्रैक किया है, ठीक है, यहाँ से आप लोग टाइमलाइन स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, यू हैव दिस वीडियो ऑन योर टाइम लाइन, जस्ट गो टू फाइल्स, एक्सपोर्ट मीडिया, ठीक है। अभी इसके अंदर आपके कुछ और एक्सटेंशंस है, एक्सपोर्ट एज अ टाइटल, अगर आपने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है, मतलब तो आप लोग को अगर सिर्फ टेक्स्ट एक्सपोर्ट करना है, इसके अंदर से टेक्स्ट का एनिमेशन क्रिएट किया है कुछ, इफ यू जस्ट नीड टू एक्सपोर्ट द एनिमेशन ऑफ द टेक्स्ट, यू नीड टू सिलेक्ट द टाइटल ऑप्शन, टाइटल का ऑप्शन सिलेक्ट करेगा एंड इट विल जस्ट एक्सपोर्ट द एनिमेशन क्रिएटेड फॉर द टाइटल एंड द अल्फा वैल्यू, ठीक है, मतलब उसका जो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आपको पीएनजी में सेव करना है या फिर कोई एक अनकॉम्प्रेस फॉर्मेट में सेव करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट, ठीक है, AAF, OMF, दीज आर ऑल ऑफ द एक्सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट्स, फाइनल कट प्रो,
फाइनल कट प्रो कौन सा है? एप्पल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फाइनल कट प्रो XML। उसके अंदर अगर आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा तो यू कैन एक्सपोर्ट दैट, ठीक है। नेक्स्ट गो टू मीडिया, यहाँ पे देखो स्केल टू फिट, ये आपका आउटपुट रहेगा, फाइनल आउटपुट ऐसे आने वाला है, ठीक है। स्केल टू फिल, इसको डिफॉल्ट ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट मैच सीक्वेंस सेटिंग, इसको क्लिक करना है। और इफ यू वांट डिफरेंट सेटिंग्स यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन। अभी इसके अंदर जो है कॉम्प्रेस्ड अनकॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है कुछ, उसके हिसाब से आपको एक्सपोर्ट करना है। H.264 इज एन MP4 फॉर्मेट। अगर JPG सीक्वेंस चाहिए आपको, देन यू कैन सिलेक्ट द JPG एंड यू कैन क्लिक द सीक्वेंस ऑप्शंस, ठीक है। इन दिस आई विल सिलेक्ट MP4, ठीक है। सी ये ऑटोमेटिकली मैच हो गया सीक्वेंस सेटिंग्स के साथ। एंड आई हैव टू एक्सपोर्ट द वीडियो एज वेल एज द ऑडियो, ठीक है। चेंज द आउटपुट नेम, आउटपुट नेम विल बी ओके सीक्वेंस बेसिक्स कोस्टा। NVIRONMNT एनवायरमेंट फुटेज, ठीक है। सेव इन TY, ठीक है, TY कैनवास। सेव एक्सपोर्ट ऑडियो वीडियो सेटिंग्स वीडियो, ठीक है। ये सारे सेटिंग्स है जो हमने स्टार्ट में सेट किए थे, ठीक है। स्टार्ट में जो सेट किए थे वो सारे सेटिंग्स है। नेक्स्ट फिट एक्सपोर्ट सोर्स रेंज, मतलब एंटायर सीक्वेंस आपको रेंडर करना है, सीक्वेंस इन एंड आउट करना है या फिर वर्क एरिया आपको रेंडर करना है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, इफ यू वॉन्ट टू क्यू, अगर आप लोग क्यू के ऊपर प्रेस किया तो इट विल क्रिएट अ स्क्रैच फाइल, ठीक है। एक स्क्रैच फाइल क्रिएट होगा, उसके अंदर आपका डेटा का जो क्यूइंग जो है मतलब उसका टाइम वगैरह सब सेव होगा। जस्ट व्हेन यू प्रेस द आउटपुट, मतलब एक्सपोर्ट का अगर आप क्लिक करोगे तो इट विल गेट द ऑप्शन फॉर एक्सपोर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटेजेस, ठीक है। आई विल जस्ट एक्सपोर्ट दिस नाउ। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन भी कम है और उसका वीडियो का जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा कम है। कुछ कुछ वीडियोज जो रहते हैं हाई क्वालिटी, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, या फिर कुछ कुछ 1 डे भी लगाते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ योर PCs, ठीक है, ऑफ योर वर्क स्टेशन। ठीक है, डन। आई विल सेव दिस। सी दिस विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ माय फुटेज, MP4 फॉर्मेट के अंदर आ गया आपका पूरा। जस्ट स्क्रीन सेकंड, दिखना है तुमको? हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। सी दिस इज द फाइनल आउटपुट। जो पाथ सेव किया था उस पाथ के अंदर यू विल गेट दिस MP4 फाइल। वैसे आपको MP4 फॉर्मेट के अंदर कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट, MP4 इज अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट, जो क्वालिटी है आपका वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, इट विल बी इन द फाइनल स्टेज। ऐसे कुछ आउटपुट आपका फाइनल आउट इसके अंदर दिखेगा, ठीक है।
क्वालिटी वगैरह जो आप लोग सिलेक्ट करोगे स्टार्टिंग में वही क्वालिटी रहेगा आपका आउटपुट का, जो सीक्वेंस का क्वालिटी रहेगा, सीक्वेंस सेटिंग से क्वालिटी, वही सेम क्वालिटी के अंदर वो एक्सपोर्ट होगा। किसी को अगर ऐसे लग रहा है कि कुछ वीडियोस पिक्सेलेट हो रहे हैं या फिर कुछ फुटेज पिक्सेलेट हो रहे हैं, देन जस्ट चेक द प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाओगे आप लोग तो वहां पे आपको दिखेगा कि यू हैव दिस दिस क्वालिटी ऑफ सेटिंग्स फ्रॉम योर सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो विच आई हैव क्रिएटेड, जस्ट आई हैव इम्पोर्टेड द कंप्लीट वीडियो, उसके अंदर से मैंने कुछ क्लिप्स क्रॉप किए हैं। ठीक है, आई हैव जस्ट क्रॉप सम ऑफ द क्लिप्स फ्रॉम दैट, आई हैव एडेड अ साउंड, साउंड इसके अंदर आपको सुनाई मिलेगा। ठीक है, आई हैव एडेड द साउंड एंड आई हैव एक्सपोर्टेड, मतलब इसके अंदर जो है कंपोजिटिंग का जो आपको पार्ट है, कंपोजिटिंग का दैट विल बी टोटली क्लियर्ड। ठीक है, कैसे आपको कंपोजिटिंग करना है, हाउ यू नीड टू कट द सीन्स, हाउ यू नीड टू ऐड द सीन्स, हाउ यू नीड टू ऐड द सीक्वेंसेज, ठीक है, इन टू अ कंप्लीट कंटिन्यूटी फॉर्मेट। ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर्मेट के अंदर आपको कैसे पेस्ट करना है, और जब भी आप लोग कोई वीडियो या फिर वीडियो फुटेजेस वगैरह शूट करते हो तो उसको जो जब भी आप लोग सेव करते हो जस्ट सेव इन द नेम ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जिस सीक्वेंस के अंदर आप लोग ने फुटेज लिया है वो ऑटोमेटिकली उसका एक DSC करके ऐसे फाइल सेव होता है, या फिर कैमरा CAM कैमरा के फाइल के नाम से सेव होता है, बट जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द सीन्स सीन नेम। ठीक है, जो सीन का नेम रहेगा उसके हिसाब से ऐड करो, ताकि जब आप लोग इस टाइमलाइन के ऊपर एडिट करो तो आपको सीन सीक्वेंस प्रॉपर इसके ऊपर दिखे। ठीक है, सीन सीक्वेंस मतलब कोस्टारिका का ये सीक्वेंस है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज फॉर लंडन, लंडन कुछ रहेगा, या फिर कुछ अमेरिकन का एक फुटेज रहेगा, अमेरिकन एनवायरनमेंट का, तो ऐसे आपको ऊपर दिखना चाहिए उस नाम के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? एनीवन हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स, शोरील, शोरील का काम किसने किसने चालू किया है? प्रोजेक्ट का हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं क्या, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द टीम्स। ठीक है, जो आपने की टीम है यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद दिस दोज पीपल, बट शोरील के लिए तो आपको कुछ कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव ऑल ऑफ द वर्क्स। ठीक है, आपके घर पे वर्क है सब, आप लोग ने सेव किया हुआ है, और यू कैन क्रिएट द न्यू वर्क्स। ठीक है, नया वर्क आप लोग ने इतना टाइम में क्रिएट किया रहेगा, यू कैन यूज दैट, तो कम से कम आपका शोरी का काम तो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो जब भी कॉलेज वगैरह स्टार्ट होगा तो भी आप लोग फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह रेंडर कर सकते हो। ठीक है, बट डू नॉट डिपेंड। ठीक है, अभी आप लोग को कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग को भी कुछ आइडिया नहीं है कि कभी स्टार्ट होंगे या फिर आपके जो लेक्चर्स है या फिर प्रैक्टिकल्स है कभी स्टार्ट होंगे, इससे ही आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, हम लोग जो आपको सिखा रहे हैं, द टूल्स वी हैव शोन यू, द असाइनमेंट्स जो आपको इसके अंदर ट्यूटोरियल्स जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब क्रिएट करके कुछ वीडियोस क्रिएट करके या फिर कुछ थिंग्स क्रिएट करके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दैट ओनली। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। टिल देन आई विल सेव योर अटेंडेंस। काई डाउट है कि कुनाला? सर प्रोजेक्ट कधी सबमिट सर करायचा? प्रोजेक्ट आहे म्हणजे मेन जे आहे सबमिशन विल बी ऍट द एंड ऑफ द इयर। ठीक आहे, तुमच्या शोरीलचं आणि ह्याचं प्रोजेक्टचं सबमिशन तुमचं एंड ऑफ द इयर असेल बहुतेक फेब मध्ये किंवा जानेवारीच्या एंड मध्ये। ठीक आहे,
जानेवारी एंडच पकडून चला तुम्ही, ठीक आहे? जानेवारी पर्यंत तुमचे पूर्ण प्रोजेक्टचं काम, रेंडरिंग वगैरे सगळं पकडून जानेवारी एंड पर्यंत सगळं कंप्लीट व्हायला पाहिजे, शोरीज अँड प्रोजेक्ट्स बोथ. ओके सर. ठीक आहे, अजून काय? हँडल शिकायचे होते आम्हाला, कुठले कुठले रिगिंगचे? रिगिंग झाली माहिती, सगळी हाँ. कॅरेक्टर बी झालं, रिगिंग झाली, फक्त हँडल शिकायचे. अच्छा, एक काम कर, तुला नाही का एक हे पाठवतो मी, ट्युटोरियल पाठवतो, ते तेवढं बघ, त्याच्यामध्ये जर का समजलं तर ठीकच आहे, नाहीतर मग मी तुला म्हणजे हे डायरेक्ट एक रेकॉर्ड करून लेक्चर पाठवतो, चालतंय. ठीक आहे? एसवाय चं जेव्हा लेक्चर असेल किंवा रिगिंगचं जेव्हा लेक्चर असेल तेव्हा मी लिंक पाठवतो, तेव्हा ते परत जॉईन करा तुम्ही, एसवाय सोबतच ते लिंक जॉईन करा, ठीक आहे? म्हणजे एसवाय चं चालूच आहे आता, कॅरेक्टर क्रिएशन चालू आहे, त्याच्यानंतर मी रिगिंग स्टार्ट करणार आहे लगेच, तर त्यावेळेस मग तुम्ही जॉईन करा ते लेक्चर्स. हो सर, चालतंय. हँडल शिकायचं बघ. हाँ तेच, जेवढं पार्ट तुला म्हणजे मी स्टार्टिंगला परत प्रत्येक लेक्चरला सांगतो ना की काय काय घेणार आहे आज लेक्चर मध्ये, तर त्याच्यामध्ये मी जर का बोललो की आय एम गोइंग टू टीच द हँडल प्रोसेस किंवा ऍडिंग द कंट्रोलर, तर त्याच्यामध्ये ते पुढचं मग लेक्चर अटेंड करा तुमच्या पद्धतीने. चालतंय सर. ठीक आहे, चला, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन्स, टिल देन स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, काय डाऊट असेल तर मग मला विचारू शकता तुम्ही, ठीक आहे? चलो, बाय बाय. संख्या बोल की कुठल्या संख्याला बोलत होते, लिफ्ट झाली ती संख्या आहे? निकम अरे निकम. पोर कुठे गेली तर एवढीच असतील, 12 आणि 13 आणि 20 आणि 14. आणि मी तुम्हाला लेक्चर नसते तर 25 पुढे तर आपणच नसतो रोज. घरी काय काम करत असत काय माहिती, काय माहिती तुला काय काम भांडी घासायला लावतात घरी. चेट्या उल्ला रे उल्ला उल्ला राजा पहिला भांडी घासायला लावतात. आठवण करतो तुझी म्हणतो प्रमोद ची कुठं आठवण येत. मगर कुठे तुझी मगर? मगरला खाल्लं काय शेत मगरीचा. हँग झालंय आवडे कोणाचं लेक्चर आहे रे? बस किती लेक्चर? अरे ते वर्क कोणी चोरलं राव? कुठलं? हा ऋतिक आहे, ऋतिकने चोरलं. कसलं वर्क मला देतो सांग, मग चोरतो. अरे ऋतिकच्या अकाउंट आहे ते. अरे ते अकाउंट आणि एफ आय अॅनिमेशन त्यांनी तर जस्ट ढोल केलं ते, नाही का? इंस्टाग्राम वरचा अकाउंट आहे अॅनिमेशन डिपार्टमेंट चा, तो झोला असन, झोला असन कोणतरी आय स्टेशन वर. तावडे ऐक ना. हा बोल की. त्या दिवशी बघ याने मगरीचा व्हिडिओ टाकला होता. हा हा कमी केला होता. चला कर ना त्याला, त्याला पूर्ण विषय मगर भेटते ना, मगर भेटते ना, तिथे एकदम स्लो करायचं व्हिडिओ, एकदम स्लो करायची ती, आणि नाही का द्यायचं सोडून गेलो असतो. आणि थंबनेल पण व्हिडिओची काहीतरी माणूस बिनूस खातर, नाही का? मगर काय पण बनवतं का? आणि ते युट्यूबला टाकून आणि लिंक शेअर कर पवारांना. अकाउंट बॅन होईल माझं. नाही होत तसलं. अरे किती काय काय आवाज येत बाबा याच्यावर, युट्यूब वर कसले कसले व्हिडिओ. अरे फेक अकाउंट कोण? गेस्ट ईमेल वर नाही का नवीन अकाउंट खोल आणि त्याच्या ते कार्यक्रम करू हे व्हिडिओ सोडून. ठीक आहे ऋतिक महाजनच्या नावाने अकाउंट क्रिएट कर. निखिल काय ऐकतोय? स्कीम ऐकतोय आपली. हा तर जाऊ का? हा.